कुछ किस्से कुछ कहानियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शिखा। आज कहानी लाई हूँ एक लोटा पानी, जिसे लिखा है श्री पारसनाथ सरस्वती जी ने। जीवन को ऊंचा उठाने वाली एक कहानी जो हमें कई तरह से बहुत अच्छी शिक्षा देगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपनी अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई ना देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परसराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक करने लगा। परसराम बोला, महादेव गुरु जी हैं, परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 रुपये का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक है, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में ही मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़कर मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परसराम, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? थोड़ी दूर पर सेखोपुर गांव है, बागों में बसा है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूं बेटा, यहां क्यों आए हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परसराम ने जब बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था, उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था, पर साल इस गांव में कलमूही प्लेग आ गई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर चले गए। रोने के लिए मैं ही रह गई। जब से बेटा मरा, तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा देती हूँ और रो लेती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ भी नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परसराम बोला, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम ये पानी मुझे पिला दो, प्यास बड़ी लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी जो तुम पी लोगे, तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया है। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दिया। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परसराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? वैशाख के उंजेरे पाख की पंचमी को टीका है, केसरीपुर से बारात आएगी। परसराम बोली, विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी 1,000 ही उम्र हो। गांव तक चलो तो मैं तुमको कुछ खिलाऊं, भूखे मालूम होते हो। भूखा तो हूं, पर मैं गांव नहीं आ सकता। मेरा नाम परसराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था,
30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन मैं तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा। बुढ़िया, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम होते हो, घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा। अब ऐसा ही उल्टा जमाना आ गया है माई, उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दिहाड़े गरीबों का खून पीने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं, पतिव्रताएं उघारी फिरती हैं, छिन्नालों के पास रेशमी साड़ियां हैं, कलयुग है ना। मैं जाता हूं, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊंगा। परशुराम चले गए, बुढ़िया ने घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा मेरा भाग तो जाग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम सेखुपुर गांव में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा ये समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर वह कभी नहीं हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी हुई थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब ये पूछा कि ये सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते, हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं, हम लोगों का किराया अदा कर दिया गया है, हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि ये सामान सेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भरावे, बस और ज्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि ये सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और ये भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गाँव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, लेकिन परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ सेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ, परशुराम ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम बोला, सेखुपुर चंपा का कन्यादान करने, तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत, रुक नहीं सकता। रहीम, छींक हुई? परशुराम, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं, उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकती। घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब? परशुराम ने कहा। मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है, पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है, रहीम बोला। संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता, एक लोटा पानी से ओरेंज जो होना है। परशुराम बोला, अच्छा तो मैं भी साथ चलता हूं, जो वक्त पर साथ दे वही असली साथी है। रहीम बोला, तुम्हारी क्या जरूरत, तुम यही रहो। परशुराम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा, आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर सेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था।
अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस गए। पांच मोहरों से परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले किया और वे जब बाहर जाने लगे तब गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही पांच गाड़ियों का सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की तो बोलती ही बंद हो गई। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लौटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परसराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयां भर लाया। परसराम ने कहा, अरे कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान किया उसी का भोजन कैसे करूंगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परसराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परसराम ने उनको ललकारते हुए कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परसराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया, सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी, वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परसराम के और रहीम के अचूक निशानों ने पांच सिपाही मार डाले। परसराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया, दनादन गोलियां छूटने लगी। तीन सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके खुद के शरीर में चार गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली घोड़े को लगी, घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परसराम एक कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परसराम का पीछा किया। तीन कोस के बाद परसराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परसराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परसराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, करीब 5-6 गज चौड़ा और 30 हाथ गहरा। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदका का रूप दे दिया था। परसराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया, वे खंदक में गिर गए। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई ना पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परसराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोलियां छोड़ी, परसराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है, शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परसराम ने आवाज के निशाने पर एक और गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत, उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज का निशाना साध कर परसराम ने एक गोली और छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परसराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश है। तुम एक बहादुर और बाट का धनी आदमी है, हम तुम्हारे निशाने पर खुश है। परसराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका, एक लौटा पानी से उरिन हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब बोले, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुम को वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ, तुम भी बाट का धनी, हम भी बाट का धनी, आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परसराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परसराम को साफ परी कर दिया। परसराम ने समझ लिया कि अच्छा उद्देश्य होने पर भी आंखें डकैती थी तो बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परसराम ने हरिद्वार में जाकर 5 सालों तक घोर तपस्या की और बाद में गंगा जी के बीच धारा में खड़े खड़े ही शरीर त्याग दिया। परसराम ने ये दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन जरूर करना चाहिए। तो ये थी एक लौटा पानी कहानी, जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देकर जाती है कि किसी भी विपत्ति में अपने वचन का पालन जरूर करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ऐसी कहानियाँ और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्द मुलाकात होगी फिर से एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।